तो नाइट में रुक नहीं सकता, बाहर से जो भी पर्सन आते हैं नीचे को रड़ते हुए जाएंगे। ऐसा ही है ना, हो गया रेन डांस, हो गया रेन डांस वहां पर है सामने। जमीन कट गई थी यहाँ की, ये देख रहे हो, शुरुआती में काफी एकदम बढ़िया नजारा है यहाँ का। हल्द्वानी में बहुत ज्यादा गर्मी है, पर आपको कस्टम उगरा अवेलेबल हो जाएगा। ये है यहाँ का चेंजिंग रूम, एसी लगा हुआ भाई, पूरा एयर कंडीशनर है। ये सारा कुछ जो दिख रहा है ना, ये सब पत्थर है भाई ये। और शाम को कितने बजे तक? सात जो खाली बच रही है। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड वगैरह सब लगेंगे, गीले कपड़ों के लिए नहीं है। कमाई में उतनी टिप्स होता है कि पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टी, साउथ इंडियन, तंदूर, सारा कुछ है। थ्री ग्रेवीज यूज करते हैं, व्हाइट ग्रेवी, काजू मगज। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में आप सभी लोगों का। मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर के भुजिया घाट में। हल्द्वानी से लगभग 12-14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भुजिया घाट। इस समय हल्द्वानी में काफी गर्मी है, 40 से 45 या 46-47 डिग्री तापमान यहाँ पर हो जा रहा है। तो लोगों को यहाँ पर इस समय रुक रहता है कि वाटर पार्क में जाएं और पहाड़ों को घूमने के लिए जाएं। ठंडी ठंडी हवा अभी सभी को चाहिए होती है, काफी गर्म है यहाँ पर। तो उसी पर आधारित मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं हूँ गोल्डन फन पार्क भुजिया घाट में। यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, स्विमिंग पूल उगरा है, सब कुछ है यहाँ पर, सारा कुछ दिखाऊंगा। और कितनी प्राइस है यहाँ पर हेड, और गाड़ी पार्किंग की क्या क्या सुविधा है, सारा कुछ बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, कमेंट करिए। चलते हैं अभी अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ का गोल्डन फन पार्क का क्या क्या फैसिलिटियाँ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जैसे आप हल्द्वानी से आएंगे, हल्द्वानी से आपको आना है भुजिया घाट, आपको यहाँ पर टैक्सी, टेम्पू, बाइक या पर्सनल गाड़ी से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये सामने पुल, होटल भी है यहाँ। आप अगर स्टे करना चाहते हो आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो, गर्मी काफ़ी है यहाँ पर। और नीचे अगर यहाँ पर आपको नहाना है और गदेरे के साइड आपको जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, वैसे यहाँ पर इतना मनाही नहीं। भुजिया घाट को आप देखेंगे तो हल्द्वानी से जहाँ से ये कंटर आ रहा है, यहाँ से आपको रोड कटेगी ऊपर को, यहाँ पर छोटी गाड़ियों की पार्किंग और बड़ी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर मुफ्त है। तो यहाँ पर ये मेन गेट है, आप देख रहे होंगे गोल्डन फन पार्क रिसोर्ट करके। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह भी है, सारा कुछ अवेलेबल है। अगर अंदर पूरा दिखाएंगे हम यहाँ किस किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर ये टिकट काउंटर है और यहाँ से एंट्री होगी। तो यहाँ जो गाड़ी पार्किंग वो फ्री है क्या? गाड़ी पार्किंग फ्री है यहाँ? यहाँ जो अंदर आएगा तब फ्री है। अच्छा, जो अंदर आएगा उसके लिए फ्री है पार्किंग। सुबह कितने बजे ओपन होता है? 10 बजे। 10 बजे से शाम को? शाम को 7:30 बजे। अच्छा अच्छा, इसका रेट यहाँ पर लिखा हुआ है? अच्छा, ये भी है ना, ये क्या है? हाँ, यहाँ पर ना कुछ रेट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रेट आप पढ़ सकते हैं, ये देखिए गेट पे। और कुछ रेट यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, इनका पूरा टाइम टेबल मैं जरा दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा टाइम टेबल है इनका, और कितना है, क्या है, कैसा है, सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। और ये देखो, धूम्रपान करना सख्त मना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह तो प्रोवाइड है नहीं, और ये काउंटर है, टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट लेना है। और इसका एंट्रेंस में दिखा देता हूँ, अंदर चल के और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है, कैसा है। तो ये एंट्रेंस है, काफी अच्छा एंट्रेंस है, ये लोगों ने मैट रखा है, पत्थर भी लगाया, काफी अच्छा डिजाइन कर रखा है। शुरुआती में काफी एकदम बढ़िया नजारा है यहाँ का। और अंदर चल के भी और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर आपको फैसिलिटियाँ होने वाली है। अभी मैं अंदर को आ गया हूँ, फन पार्क के सीधा अंदर आ गया हूँ। और यहाँ एकदम नया खुला है, ये अभी नया खुला है, इसी साल से लगभग सीजन चालू है। और यहाँ का बेहतरीन नजारा ये देखिए, ये साइड को अभी काम चल रहा है, और यहाँ को रेन डांस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अंदर हम मैनेजर साहब हैं, उनसे भी बातें करेंगे। और ये देखिए, वो दिखा रहा हूँ मैं, कितना खूबसूरत पार्क बनाया है इन्होंने। ये बैठने वाला है सर, ये बैठने वाला कस्टमरों के लिए। और यहाँ पर गार्ड लोग भी हैं, और यहाँ पर होता है रेन डांस। और यहाँ पर भी देखिए, अभी यहाँ पर चल रही है सफाई, ये है भाई रेन डांस। रेन डांस का जो ये स्टेज है यहाँ पर है, पानी के साथ आप डांस कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो ये है फन पार्क, और साइड का नजारा कितना बढ़िया है। यहाँ आज हो रही सफाई, यहाँ हफ्ते में 1-2 दिन सफाई होती है, सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं ये लोग, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे, उसके बाद कस्टमरों को वो करेंगे। अभी इनसे भी बातें करेंगे, मैनेजर साहब से यहाँ का क्या है। थोड़ा बाहर का मैं पहले लुक दिखा देता हूँ, यहाँ का रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं, देखिए रेस्टोरेंट ओपन है। और ये देखिए यहाँ का नजारा है, कितना साल पुराना सर ये, अभी अभी खुला, एक साल हो रहा है इसको, बिल्कुल न्यू ब्रांडेड है, आप यहाँ मजा ले सकते हैं। हल्द्वानी में इतनी गर्मी है यार, उससे गर्मी से निजात पाने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। अभी यहाँ पर नहाने के लिए आया था, मगर आज सफाई की वजह से यहाँ पर वाटर पार्क बंद है, तो यार मैं नहा नहीं पाऊंगा। हल्द्वानी में बहुत ज्यादा गर्मी है, इसके वजह से मैं ऊपर को भुजिया घाट साइड को आया, यहाँ यहाँ भी काफी गर्म है, मगर आज ये लोग सफाई कर रहे हैं, तो उसके वजह से मैं नहा नहीं पाऊंगा।
आपको सिर्फ यहाँ का लुक दिखा देंगे, लोकेशन दिखा देते। तो जरा मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, वाटर पार्क से बाहर का लोकेशन, भुज्जा घाट का लोकेशन। ये देखिए, यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, कुछ साल पहले यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, काफी तबाही मचाया था यहाँ पर इस पानी ने। ये देखो, ये पूरा क्षेत्र पहले यहाँ पर ज्यादा नदी हुआ नहीं करता था, छोटा मोटा हुआ करता था, मगर जब यहाँ पर बाढ़ आई, काफी ऊपर से रोला आया, तो ये पूरा एकदम मैदान हो गया। वहां से देख रहे हो, वहां से भी भूदशा हो गया, और यहाँ से भी पूरा एकदम समतल टाइप का यहाँ पर हो गया। आप ऊपर को जा सकते हैं, ऊपर को आपको हट्स उगरा, रेस्टोरेंट उगरा, ये मिल जाएंगे, और ऊपर को गाँव भी है, काफी गाँव है। और जरा मैं इधर को भी और जरा दिखा देता हूँ यहाँ का लोकेशन। कितना हो रहा है गर्म? काफी ज्यादा हो रहा है ना। देखो, ये मजदूर लोग काम कर रहे हैं, यहाँ चल रहा है। ये सरकार की तरफ से है या मालिक की तरफ? मालिक की तरफ से यहाँ तक चकडाउन लगाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगर यहाँ पर बादल फटा, अगर बाई चांस ज्यादा यहाँ बारिश होगी, तो ये फन पार्क को कोई दिक्कत ना हो करके यहाँ पर से लग रहे हैं ये चकडाउन लग रहे हैं, बड़े बड़े सीमेंटेड बढ़िया थे। और ऊपर का क्षेत्र देख रहे हैं आप, जब यहाँ पर बादल फटा था तो कैसा रोला आ गया था, पूरी जमीन कट गई थी यहाँ की। ये देख रहे हो, ऐसा हो गया था हाल। अब अंदर दिखाते हैं और यहाँ क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटियां हैं। इधर को आया हूँ, आपको दिखा देते हैं चेंजिंग रूम और यहाँ पर लॉकर सुविधा। यहाँ पर आपको लॉकर सुविधा अवेलेबल है, आप यहाँ पर लॉकर में अपना जो भी कीमती सामान वगैरह है सारा कुछ यहाँ पर रख सकते हैं। काफी सारे लॉकर्स हैं यहाँ पर, आप पैसा देके लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना पैसा है वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको कस्टम वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये नोटिस सब कुछ है यहाँ पर, इसको फॉलो करना है। आपको टॉवल चाहिए और कस्टम वगैरह चाहिए, लेडीज जेंट्स बच्चों के, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, आपको यहाँ पर से चाबी मिलेगी। चाबी, इसका चाबी का चार्ज क्या है सर? लॉकर का 100 रुपए लॉकर का चार्ज है, सुबह से आप शाम तक उसको यूज कर सकते हैं। कस्टम अलग अलग हिसाब से, कितने रुपए से कस्टम है? 100 रुपए, 150, 200 से स्टार्ट कस्टम आपको मिल जाएगा। अगर आप खुद घर से कस्टम वगैरह टॉवल वगैरह ले आते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, अगर आप नहीं ला रहे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी जरा मैं दिखा देता हूँ। चेंजिंग रूम ये है, ये धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, ये है यहाँ इनके चेंजिंग रूम, आप यहाँ पर चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। जरा मैं दिखा देता हूँ कितना नीट एंड क्लीन है अंदर। ये देखो, ये है यहाँ का चेंजिंग रूम, साफ सुथरा है, एकदम नीट एंड क्लीन है। ये देखो, देख रहे हो, ये है भाई वॉशरूम, एकदम नीट एंड क्लीन, ग्लास लगा हुआ है, नीचे एकदम साफ है। ये देखो, बहुत सारे यहाँ पर चेंजिंग रूम है, ये आप में एक खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो कितना साफ सुथरा है, बिल्कुल सफाई का बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ध्यान रखा गया है। ये देखिए, इंग्लिश टॉयलेट है, सारे में इंग्लिश टॉयलेट है। ये देखो, आप शावर भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको शावर लेना अंदर आके तो आप यहाँ आके शावर भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो, एसी लगा हुआ भाई, पूरा एयर कंडीशनर है। ये देखिए, देख रहे हो आप, इतना बेहतरीन, लगभग हल्द्वानी में बहुत कम मिलेगा ऐसा। अभी बाहर को चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का, ये पूरा एकदम नीट एंड क्लीन एरिया है। यहाँ का भी वॉशरूम में जरा दिखा देता हूँ। ये देखिए, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, एकदम जेंट्स अलग है, लेडीज अलग है। ये देखो, एसी लगा हुआ है, पूरा एयर कंडीशनर है, पेशाब करने के लिए अलग से है, और चेंजिंग करने का, ये जेंट्स का मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन है। तो ये है गाइज, आप यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाहर को दिखाते हैं और यहाँ स्विमिंग पूल में क्या क्या है, हमारे मैनेजर साहब से भी हम लोग बातें करेंगे। अभी यहाँ पर ये लोगों ने मंगाया है एकदम टैंक, कितने टैंक मंगाए सर? टैंक तो अभी सुबह 50 टैंक 50 टैंक आ गए। अरे बाबा, एक टैंक की कीमत 500-600 रुपया? अरे बाबा, तो यहाँ पर ये फ्रेश टैंक से पानी डाल रहे हैं, ये जल विभाग से इनको मंगाया गया है। अभी कितने सारे टैंक आ गए, ये भरेंगे इसमें पानी, जो भी गंदा पानी इसको सब बाहर करके फ्रेश पानी भरेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आज इन्होंने क्लोज कर रखा है, ये नजारे हैं। देखो ये फन पार्क है, कितना बेहतरीन लग रहा है, मस्त लग रहा है। देखो ये देख लो, और साइड से मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, ये लोगों ने कितने बढ़िया तरीके से ना यहाँ पर डिजाइन कर रखा है पत्थर से। ये देखो, ये देख लो आप, ये सारा कुछ जो दिख रहा है ना, ये सब पत्थर है भाई। ये देखो, मैं जरा नजदीक दिखा दू, ये देखो, ये पूरा जो ये इसके पत्थर है ना, ये पत्थर से बनाया गया है। देखो कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, और आगे का मैं जरा और डिजाइन दिखाता हूँ, लकड़ी से इन्होंने इतने वुडन से इतना अच्छा डिजाइन कर रखा है ना। ये देखो, ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये है भाई नजारा, कितना बेहतरीन लग रहा है। और अभी हम मैनेजर साहब से, सर उधर ही आओ या इधर ही, इधर ही आ रहे हो? अच्छा बता देंगे, अच्छा नहीं वो बता दिया। तो यहाँ पर अभी हमारे मैनेजर साहब भी लगे हुए हैं काम में, और नहा भी रहे हैं साथ में, दोनों काम हो जा रहे हैं, है ना। गर्मी काफी है, हो सके शाम तक, क्या पता बारिश हो जाए, बादल तो है भुज्जा घाट के आसमान में। तो ये लोग
इंजॉय भी कर रहे हैं और आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, काफी कुछ सुविधा है। और यहाँ पर हम अभी मैनेजर साहब तो ना रहे हैं, मैडम से जरा और जानकारी यहाँ पर ले लेंगे। हल्द्वानी से अगर लोकल से कोई जनता यहाँ आएगा तो उनको जरा जानकारी दे देंगे ये सही ढंग से। तो अभी मैं यहाँ पर एक मैडम है उनसे बात करेंगे कि यहाँ के बारे में थोड़ा और डिटेल बता दे, ताकि हल्द्वानी के अभी एक महीना और बचा है यहाँ पर गर्मी का, तो जो भी हल्द्वानी से आ रहे हैं अभी नया नया है, लोगों को पता है नहीं, तो जो भी यहाँ विजिट करना चाहता है कौन सा दिन बंद रहता है और यहाँ का क्या क्या सिस्टम है सारा कुछ ये बताएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम आपका, जरा जोर से बोलिए। अंशिका। आप यहाँ कौन से पद पर कार्यरत हैं? मैं कॉस्ट्यूम काउंटर पे। कॉस्ट्यूम काउंटर पे हो, तो ये गोल्डन जो फन पार्क यहाँ पर खुला हुआ है ये कब ओपन हुआ यहाँ पर? ये सर कितने गर्मियों से ओपन हो गया था। अच्छा, इस गर्मी से ओपन हुआ ये, मतलब ओपनिंग सेरेमनी इसी साल है? नहीं, पिछले साल से ओपन हो गया था। तो यहाँ पर कितने बजे ओपन होता है ये फन पार्क? सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और शाम को कितने बजे तक? 7 बजे तक। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो चार्जेबल होते हैं अडल्ट चाइल्ड का क्या सिस्टम है? अडल्ट का 300 है और चाइल्ड का 200। चाइल्ड अबाउट फिट के हिसाब से है या फिर वैसे है? अबाउट फिट के हिसाब से। कितने फिट से नीचे फ्री है बच्चा? 3 इयर्स से नीचे का तो फ्री है। 3 साल से नीचे बच्चा फ्री है। अगर फिट के हिसाब से देखा जाए तो हाइट के हिसाब से कितना फ्री? 4.5। 4 फीट सार सारे पार्ट 4 फीट से जो नीचे बच्चा होगा वो फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 फीट से नीचे का बच्चा जो है फ्री है, और 4.5 फीट का जो भी बच्चा होगा उसका हाफ चार्ज होगा। अच्छा, तो स्विमिंग पूल में आप क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्या क्या है आपके वहाँ? जैसे एक हो गया वाटर पार्क हो गया या स्विमिंग पूल, ये हो गया, रेन डांस हो गया। रेन डांस वहाँ पर है सामने? अच्छा, रेन डांस और वो सामने वाटरफॉल जो वो लगा हुआ है दो। हाँ सर। अच्छा, उसके बीच में रेन डांस। हाँ। और ये क्या चीज है सर? सेंटर में है डांसिंग फाउंटेन। हम्म। दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट रेन डांस है। रेन डांस ऊपर हमारा वाटरफॉल है सामने। अच्छा, ऊपर वाटरफॉल, तो ऊपर भी वाटरफॉल दिखाएंगे हम, अभी बातें कर लेते हैं। और यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटियां है यहाँ पर? कोई बाहर से आएगा तो जैसे कोई कस्टम वगैरह टाउल वगैरह ले आ सकते हैं खुद? अच्छा, चार्जेबल चार्ज कितने हैं यहाँ पर? कॉस्ट्यूम चार्ज तो वही 100 पर पर्सन, और कहते चाइल्ड का है 75। और इसका क्या चार्ज है लॉकर का? लॉकर का 100 चार्ज है। 100 रुपीज लॉकर का आपको चार्ज लगेगा। अगर यहाँ पर तो यहाँ पर जो पार्किंग सुविधा है, जैसे कोई गाड़ी से आए तो फ्री है या चार्ज? फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी को यहाँ पर कोई खाना है रेस्टोरेंट की जरूरत है तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारा पर्सनल रेस्टोरेंट। आपका रेस्टोरेंट भी है, कहाँ पर है वो रेस्टोरेंट? यहाँ से ऊपर को। हाँ। सारा कुछ आपको मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन इंडियन सब मेन। हाँ। कोर्स में और स्नैक्स में सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी डिस्काउंट क्या करेंगे, कुछ डिस्काउंट रहेगा जैसे ज्यादा लोग आएंगे कम लोग आएंगे? अच्छा अच्छा, जब फैमिलीज आएंगे तो वो डिस्काउंट हमारे मैनेजर सर खुद ही कर देंगे। जरा हमको वाटरफॉल दिखा देंगे किस तरीके से है यहाँ आप चलिए, तो मैडम से जरा बातें करेंगे अंदर की, वाटरफॉल दिखा देते हैं इनका, फिर रेस्टोरेंट भी हम लोग, प्ले एरिया भी है, बच्चे रिसोर्ट बन रहा है। ये क्या बन रहा है? बन रहे हैं रिसोर्ट। हाँ। ये रूम से बन रहे हैं। कोई हाँ। स्टे करना चाहा, कोई मतलब जैसे रुकना चाहता है फैमिली के साथ आता है तो नाइट में रुकना चाहता है, बाहर से जो भी पर्सन आते हैं उनके लिए मतलब रुकने का व्यवस्था भी। चार्ज है अभी कुछ ये फिक्स नहीं करेंगे, अभी फिक्स नहीं करें। ये बड़ा अच्छा बनाया है आपने, पत्थर कहाँ से लाए आप? सर ये तो पत्थर मैनेजर सर को बताओ, इस बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, ये क्या चीज है, इसमें खाली पानी आएगा नीचे को? हाँ, वाटरफॉल है ये, मतलब इसमें चाइल्ड नहा भी सकते हैं। अच्छा, इसे नहाने के लिए भी है? नहाने तो गाइज अभी ये सफाई हो रही है इसकी, आपको ऐसा नहीं मिलेगा एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा, अभी लाइटें आता है सब रहेगी इसमें, अभी इसमें नहा भी सकते हैं। अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी होगा। और क्या क्या है यहाँ पर, स्लाइड वगैरह भी है? स्लाइड भी लगेंगी अभी, लगेंगे कहाँ पर लगेंगे वो? यहाँ पे ये जगह जो खाली बच रही है। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड वगैरह सब लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मतलब एक वाटर पार्क और तैयार होगा, एक और वाटर पार्क तैयार होगा। यहाँ से स्लाइड लगेंगी और नीचे को रड़ते हुए जाएंगे, ऐसा ही है ना? अच्छा अच्छा, और रेस्टोरेंट जरा दिखाएंगे आपको क्या क्या है अभी। तो मैडम हमको अभी रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे, यहाँ काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को यहाँ पर, ये काफी सालों से इसका काम चल रहा था, कोई कह रहा था कि यहाँ पर कुछ और बन रहा है कोई और बन रहा है, मगर यहाँ कुछ और ही बन गया, वाटर पार्क बन गया। इस गर्मी से निजात पाने के लिए ये लोगों ने बहुत अच्छा कर रखा है, काफी जगह है यहाँ। ये मालिक साहब कहाँ के हैं यहाँ? इनके देहरादून के, देहरादून के मालिक साहब हैं। अच्छा, क्या नाम है मालिक साहब का? सतीश अग्रवाल। सतीश अग्रवाल जी का ये पूरा रिसोर्ट है, कितना स्टाफ काम करते हैं ये रिसोर्ट में? अभी तो अभी का बता दूं, अभी का 35+। 35+ यहाँ पर वर्कर काम करते हैं, उनकी जिंदगियां यहाँ पर रोजी रोटी चलती है। तो ये साइड का जरा मेरा एरिया दिखा देता हूँ, ये इनका रेस्टोरेंट है, अभी मैम ले जाएंगे रेस्टोरेंट में। और ऊपर को आप देख रहे होंगे ये कौन सा एरिया पड़ जाता है ऊपर?
ऊपर पड़ जाता है डोलमोर, भुजिया घाट। भुजिया घाट ऊपर को, भुजिया घाट नीचे हुआ ना, भुजिया घाट डोलमोर, डोलमोर हुआ ना ऊपर, नैनीताल को जाने का रास्ता है। और यहाँ का सीन देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये वाली रास्ता जो गई है वो सात ताल को जाती है। कहाँ ये उधर से? हाँ। ये रोड ऊपर से खुल गई? ये रोड ऊपर को खुल रही है सात ताल के लिए। अभी खुल रही है ना? हाँ, अभी तो 20 तक ही है बस, वही तक। तो गाइस यहाँ पर ये नैनीताल गोल्डन करके एक फन फूड स्टे करके एक रेस्टोरेंट है, और मैडम रेस्टोरेंट में जरा हमको लेके जाएंगे। ये है इनका रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पर ना लोग गीले कपड़े से लेके आते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने रखा है। नो सर, गीले कपड़ों के लिए नहीं है, गीले कपड़ों के लिए बाहर बना रखे हैं, हट्स बना रखे हैं। अच्छा, वहाँ हट्स में रह सकते हैं, और यहाँ ये सेटिंग अरेंजमेंट है। हाँ, तो यहाँ का किचन, किचन कहाँ है तुम्हारा? किचन सर। अच्छा, वहाँ से प्रोवाइड होगा। चलो तो दिखा सकते हैं किचन थोड़ा? किचन सर मैं सर से पूछ के बता सकती हूं। पूछ लीजिए, थोड़ा बहुत दिखा, नहीं तो कोई वो नहीं है। तो गाइस यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है इनका, सेटिंग अरेंजमेंट आपने देखा होगा। अगर जो गीले कपड़े लाएंगे उनके लिए हट से बने हुए, सूखे कपड़े के लिए ये यहाँ पर ये बना हुआ है। ये इनका किचन है, छोटा सा किचन है, ये ओपन है। और बाहर अगर आपको बैठना है, बाय चांस आप स्विमिंग पूल से नहा के आ रहे हैं, अगर आपको बाहर बैठना है तो यहाँ पर ये प्लास्टिक की चेयर वगैरह लगाई है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। ये हमारे भाई साहब है, वेटर भाई साहब, क्या हाल चाल है सर, कैसे हो? तो यहाँ पर अभी बंद है आज, तो आराम ही होगा आपको। तो यहाँ पर कस्टमर आते हैं रेस्टोरेंट में, आते हैं कस्टमर? हाँ जी। तो यहाँ पर कैसा, कैसे तरह के कस्टमर आते हैं? ऑर्डर वगैरह ठीक ठाक देते हैं या फिर कमाई में होती नहीं, टिप्स टिप्स होता है कि नहीं, देते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं? चलो यहाँ पर गोल्डन फन पार्क में जरा किचन दिखा देता हूँ, इनसे परमिशन ली, इन्होंने बोला कि किचन दिखाओ, तो हम सर थोड़ा सा कैच कर सकते हैं बाहर? बिल्कुल बिल्कुल, ये किचन है एकदम नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कोई सेफ साहब से बात हो सकती है हमारी? तो गाइस अभी हम यहाँ पर गोल्डन फन पार्क के जो हमारे सेफ साहब हैं, रेस्टोरेंट जो इनका ये है और नया रेस्टोरेंट है, उनसे जरा बातें करेंगे कि यहाँ क्या क्या इनका स्पेशल है। सर मेरा नाम हेम सिंह मेहता। मेहता जी, जी हम ही, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया एक मंथ, एक महीने से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मेनू में क्या क्या है आपका? मेनू में हमारा सभी जी वेज नॉन वेज, और क्या कहते हैं हमारा इंडियन फूड, प्योर इंडियन फूड एकदम क्लीन हाइजेनिक से हमारा जो सेफ अथॉरिटी से बनता है हमारा, तो इसी तरह सभी फूड हमारा टेस्टी है, कोई मिक्सिंग नहीं, हमारा फ्रेश ही बनता है यहाँ पे, उसी अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। कस्टमर को फीडबैक भी, यहाँ का जो टेस्ट ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो इस दौरान अच्छा है यहाँ पे, अभी ये पहाड़ों से रिलेटिव यहाँ पे जो चीजें हैं, पर्यावरण हमारा काफी शुद्ध है। तो एक चीज और क्वेश्चन करूंगा मैं, जैसे मेन कोर्स है, मेन कोर्स में जैसे यहाँ पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टी, साउथ इंडियन, तंदूर, सारा कुछ है? जा, सारा कुछ। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको पूछ रहा हूँ कि इंडियन में आप स्पेशल स्टार्टर में क्या देंगे? स्टार्टर में इंडियन में हम वेज में ले लेंगे आप हरा भरा कबाब जो होता है, नॉन वेज में, नॉन वेज में अपना चिकन टिक्का हो गया, चिकन टिक्का। और मेन कोर्स में क्या देंगे स्पेशल? मेन कोर्स में आपका बटर चिकन और कढ़ाई चिकन मेन जो होता है स्पाइसी जो। वेज में? वेज में अपना पनीर लबाबदार हो गया। पनीर लबाबदार कौन से ग्रेवी में आएगा? वो हल्का सा रेड ग्रेवी में आएगा, ऑनियन ग्रेवी में है या ऑनियन वेज ग्रेवी? ऑनियन ग्रेवी में रहेगा। और साउथ इंडियन थ्री ग्रेवीज यूज करते हैं, व्हाइट ग्रेवी, काजू मगज जो हमारा लजीज आता है उसे। साउथ इंडियन में क्या देंगे आप? साउथ इंडियन में आप डोसा है हमारे पास। कौन सा डोसा देंगे? मसाला डोसा, पनीर स्पेशल, स्पेशल क्या? स्पेशल मसाला डोसा, मसाला डोसा देंगे। और सांबर जो उसका है कॉम्प्रोमाइज, ऑलमोस्ट सांबर है ही, चटनी। सांबर में बीन्स गाजर तो नहीं डालते हो? बीन्स गाजर ऑलमोस्ट वेजिटेबल्स। क्या डालते हो सांबर? वेजिटेबल्स जो सिनेमा स्टिक है, ड्रम स्टिक है, और अपना जो मसाले और अपना सिगरेट मसाले, एमडीएस के मसाले जो होते हैं मेन, वो चीजें हैं। तो अपना इडली का जो मसाला डोसे का जो मेन वो है, वो ओनली सांबर से ही जो अटैच है। तंदूर में आप क्या सजेस्ट करेंगे मेन कोर्स में, जैसे रोटी नान में? हाँ, रोटी नान एंड ब्रेड्स वही हुआ, जैसे कि नान हो गया, रुमाली रोटी हो गई। अच्छा, रुमाली कड़क भी देते हैं आप? रुमाली कड़क भी देते मिल जाएगा यहाँ पर? अच्छा, तो और पास्ता में क्या, कॉन्टी में पास्ता में क्या स्पेशल है? कॉन्टी में पास्ता, रेड सॉस पास्ता एंड व्हाइट सॉस पास्ता, प्लस में पिज्जा, चिकन पिज्जा, चिकन पिज्जा है प्लस एंड वेज पिज्जा है। तो इसके द्वारा हम पास्ता और बाकी कॉन्टिनेंटल ब्रेड्स इसके साथ है। कैसा चल रहा है फिर? ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी तो एक आध दिन तो ऐसा है कि संडे मंडे तो, सैटरडे संडे तो काफी है, रस रहता है यहाँ पे। तो इस दौरान इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? मैं सर दुबई था इससे पहले। अच्छा, दुबई कौन से एरिया में थे? मैं दुबई जो मोनार का जो सिम है उसमें था। आप वहाँ कौन से पोस्ट में थे, कौन से कॉमी में थे? मैं कॉमी में सीडी, सीडी हाई लेवल में था, सीडी पी। अच्छा, कॉन्टी शेप में थे? नहीं नहीं, मैं ऑल ऑल डिपार्टमेंट, ऑल राउंडर में।
मुंबई होटल ताज से ट्रेनिंग करके वहाँ से आपने एचएम किया होगा एचएम मैनेजमेंट के सुबह बैंगलोर अगर कंट्री में मैंने कॉलोनाइज किया है वर्क किया है तो उस दौरान मेरा ये फर्स्ट टाइम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से वर्क है यहाँ पे। तो आने वाले टूरिस्टों को क्या कहेंगे आप? टूरिस्टों को कहना चाहूंगा मैं आइए एंजॉय कीजिए हमारा फूड का टेस्ट लीजिए। दुबई के सेब है भाई साहब। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सेब साहब है दुबई भी विजिट कर चुके हैं और यहाँ आके आपको यहाँ पर ये दुबई का जो भी खान पान है वो यहाँ भी वो टेस्ट दे देंगे आपको। तो गाइस अभी वीडियो समाप्त करते हैं। सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। गोल्डन फन पार्क जो भुजागाड़ में नया खुला हुआ है पिछले साल ओपन हो गया था, ये दूसरा साल चल रहा है, काम यहाँ पर और भी हो रहा है, काफी कुछ आपको फैसिलिटियां यहाँ पर मिलने वाली है। हल्द्वानी से मात्र 12-14 किलोमीटर की दूरी पे है। नीचे को जाएंगे तो गर्म होगा, ऊपर को आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ फैमिली के साथ आ सकते हैं, काफी सेफ एरिया है। सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, कुछ दिन में यहाँ पर रूम भी मिल जाएगा, आप स्टे भी कर सकते हैं। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है यहाँ पर, है ना। खाने पीने की चीज सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, किचन मैंने दिखाया, रेस्टोरेंट दिखाया, आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। रेन डांस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर है और भी यहाँ पर स्लाइडें वगैरह लगनी है ऊपर। ये पीछे जो आपको जगह दिख रही है वहाँ पूरा स्लाइडें लगेंगे और यहाँ भी एक और पार्क बनने वाला है। तो सफाई का विशेष ध्यान है, आज हो रही है सफाई। फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ काफी भीड़ रहती है, इसकी वजह से आज ये सोमवार मंगल बुधवार को ऐसे कुछ दिन रखते हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि डीएम साहब ने सख्त आदेश दिए है कि जो भी गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम वाटर पार्कों के लिए। तो यहाँ पर बहुत साफ सफाई है, सुकून है एकदम, बहुत ही बढ़िया है। आप आ सकते हैं हल्द्वानी से आप विजिट कर रहे हैं तो। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई क्या अच्छा लगा आपको, है ना। गर्मी बहुत तेज है ना, यहाँ पर भी बहुत गर्म है, अभी तो थोड़ा हल्का हल्का हवा चल रहा है तो आराम मिल रहा है। मेरा तो बिल्कुल गला ही सूख गया भाई, इतना गर्म है हल्द्वानी में, बिल्कुल लू जैसी हालत हो रही है, बिल्कुल लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसी गर्मी हुआ है आजकल यहाँ। तो गोल्डन फन पार्क से बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।